नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए। आज विज्ञान का 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अच्छे अंक नंबर ला सकते हैं विज्ञान में सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। तो आइए प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 14। तो बताइए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अम्ल का जो होता है 7 से कम होता है और 7 से जो अधिक होता है वह क्षारीय कहलाता है। क्षार्य का पीएच मान होता है 7 से अधिक और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर यानी 7। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों यहां पर आप तीन प्रश्न को समझें। पहला प्रश्न क्या समझे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार्य का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जैसे रक्त खून, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, यानी कि ये 7 से ज्यादा है। तो रक्त 7.4 यानी कि रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो समझिए कि ये 7 से अधिक है, तो रक्त क्या है क्षारीय है। तो आप यहां पर अभी इस प्रश्न के साथ तीन प्रश्न समझें। पहला प्रश्न समझे कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से हमेशा कम होगा और उदासीन जो होगा 7 होगा यानी 7 के बराबर होगा, और क्षार्य क्या होगा, क्षार्य होगा 7 से अधिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना है 7.4। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पर्ण हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी मतलब कि जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है, पर्ण हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन, यानी ये तीनों जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कब होता है, सुबह और शाम होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है पर्ण हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है, यानी कि अभी तक वैज्ञानिक ने कितने तत्व को खोज निकाला है यह ज्ञात कर चुके हैं। अभी तक कुल तत्वों की संख्या क्या है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, 118, 103, 98 या 93। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट में। यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या है 118, ऑप्शन नंबर ए सही है, 118 है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या पूछा गया है, तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 18। तो बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो 18, ऑप्शन नंबर
डी सही है 18। अगर पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7, आवर्त 7, समूह 18। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है, यह प्रश्न पूछता है और पूछता है सोडियम की संयोजकता क्या होती है, सोडियम की संयोजकता होती है 1, सोडियम की संयोजकता होता है 1, और यहां पे पूछा गया है परमाणु संख्या। यह दोनों प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है 11। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या है, सोना का प्रतीक होता है AU, AU सोना का प्रतीक होता है, और चांदी का प्रतीक होता है AG, चांदी का प्रतीक होता है AG। तो यहां पर पूछा गया है कि सोने की परमाणु संख्या है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 39। तो बताइए सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है 79। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत होता है के, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है, और सोडियम होता है Na, सोडियम होता है Na, उसमें चलिए बताइए पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 17, 18, 19 या 20। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है 19। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो बताइए कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 6, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का SI, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है, बताइए वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति घंटा, बताइए क्या होगा। विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रतिरोध का SI मात्रक है, प्रतिरोध का SI मात्रक है, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो बताइए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, जितने भी प्रश्न बताएं, यानी कि अभी 10 प्रश्न बताएं, ये 10 प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं, और इन प्रश्न को सभी अच्छे से समझ लीजिए और प्रश्न का उत्तर अच्छे से याद रखिए। तो देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं, यानी 10 प्रश्न को पढ़े और समझे, तो इसमें आप कितना पहले से जान रहे थे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और हां अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।